मैंने 9000 शॉट्स मिस किए, 300 मैच में हारा और 26 बार आखिरी शॉट मुझसे छूटा जिससे मेरी टीम हारी। मैं जिंदगी में बार बार फेल हुआ और तभी आज मैं सक्सेसफुल हूँ। और ये किसी और ने नहीं, बास्केटबॉल के फॉर्मर प्लेयर और बास्केटबॉल के भगवान माइकल जॉर्डन ने कहा है। दोस्त, लोग तो ब्रांड पहनना चाहते हैं, लेकिन इस बंदे ने खुद को ही ब्रांड बना डाला। जहां एक टाइम जॉर्डन को उनके कपड़ों के बेस पे जज किया जाता था, तो जॉर्डन ने इसका जवाब ब्रांड पहन के नहीं, ब्रांड बन के दिया। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्रांड पहनने में कोई मजा नहीं है, असली मजा तो ब्रांड बनने में है। जानते हैं, एक टाइम जॉर्डन के परिवार के पास 3 वक्त की रोटी के लिए पैसे नहीं थे, और भैया जॉर्डन दुनिया के रिचेस्ट एथलीट है, और जॉर्डन की नेटवर्थ आज $2.2 बिलियन है। और ये सक्सेस इन्हें ओवरनाइट नहीं मिली, इसके पीछे बहुत सालों का हार्डवर्क और पेशेंस छुपा है। बास्केटबॉल को लेकर इनका पैशन तो 12 साल की उम्र से ही दिखने लग गया था, जब सुबह से लेकर रात तक बास्केटबॉल इनके हाथों में रहता था। इनकी लाइफ में ऐसे कितने इंसिडेंट्स आए जब इन्हें इनकी हाइट और गेम के चलते रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, लेकिन इन्होंने रिजेक्शन को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, बल्कि इन रिजेक्शन ने जॉर्डन को मेहनत करने के लिए और मजबूर किया। इसलिए जॉर्डन के कोच कहते हैं कि जॉर्डन प्रैक्टिस करने सबसे पहले आते थे और सबसे लास्ट में जाते थे, और कभी बारी तो 2 बजे तक जॉर्डन अकेले कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, और शायद इसी चीज ने जॉर्डन को बाकी प्लेयर से अलग बनाया। साल 1984 में जब इनका सिलेक्शन NBA की टीम चिकागो बुल्स में हुआ, तो उसी दिन से इस टीम की किस्मत बदल गई, और जॉर्डन की लीडरशिप के अंदर चिकागो बुल्स 6 बार NBA की चैंपियन बनी। जॉर्डन के एक टीममेट का कहना है, जब मैच खत्म होने के बाद सारे प्लेयर शावर के लिए चल जाते थे, तो जॉर्डन एक अकेले ऐसे प्लेयर थे जो मैच में हुई गलतियों को इम्प्रूव करने में लग जाते थे। मोस्टली मैचेस में ओपोनेंट टीम्स के 3 से 4 प्लेयर हमेशा जॉर्डन के पीछे होते थे, लेकिन जॉर्डन तो रहे जॉर्डन, अगर एक बार उनके हाथ में बॉल आ गई ना, तो वो बास्केट में जाके ही रोकती थी। और ऐसी परफेक्शन के पीछे बहुत सारे फेलियर्स छुपे हैं। जहां एक टाइम जॉर्डन अपनी पहचान बनाने आए थे NBA में, तो वहीं आज NBA की पहचान खुद जॉर्डन है। दोस्त, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने जॉर्डन को बाकी प्लेयरों से अलग बनाया? तो वो है हार्डवर्क। क्योंकि दोस्त, मुझे लगता है जितना मुश्किल नंबर 1 बनना है, उससे कई ज्यादा मुश्किल है नंबर 1 बने रहना, और जॉर्डन वो सब कुछ करते थे जो उन्हें नंबर 1 बनाए रखे। और इसलिए ना जाने कितने ही अवार्ड इनके नाम है, और उसमें सबसे बड़ा अवार्ड हॉल ऑफ फेम भी शामिल है। तो दोस्त, क्या तुम दे सकते हो ऐसा डेडिकेशन अपने सपनों के लिए? जरूर दे सकते हो। बस फोकस इस पे रखना कि ब्रांड पहनना नहीं, खुद ब्रांड बनना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपना प्यार जरूर दिखाना। दिस इज अनीश फ्रॉम एपिक मोटिवेशन साइनिंग ऑफ।